हेलो गाइज, मैं अंकुर, आप सभी का अपने चैनल शर्मा के टॉक्स में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में गाइज हम बात करेंगे सारे आईपीओस के बारे में, क्या हमें लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल रही है, क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम निकलता हुआ दिख रहा है, उन सब के बारे में। साथ में गाइज यहां पे नेटवर्क टेक को लेके एक कंफ्यूजन है, अलॉटमेंट कब आएगा। तो यहां पे मैं आपको श्योरली ये डाउट क्लियर कर दूंगा कि अलॉटमेंट कब आएगा, कहां आएगा, कैसे चेक करना है। साथ में इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम, उसके साथ ही मैं आपको दो नए आईपीओ के बारे में बताऊंगा इंक्लूडिंग यथार्थ हॉस्पिटल। इस आईपीओ में ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी अच्छी डिमांड में निकलता दिख रहा है, तो इनके डिटेल्स आपके साथ साझा करने वाला हूं। और गाइस आपके साथ मैं एसएमई कैटेगरी जैसे सर्विस केयर हो गया, असरफी हॉस्पिटल, इनकी भी डिटेल शेयर करूंगा। तो वीडियो पूरा देखना बिना स्किप किए हुए, और अगर चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे बेहतर अपडेट आपको हमेशा हमारी तरफ से मिल सके। तो आज के दिन गाइस आपने देखी होगी लिस्टिंग उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की, आपको आईपीओ मिला था नहीं मिला था कमेंट में बताना जरूर। और अगर जो टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे तो आज आपने नोटिस होगा हम लाइव आए थे आपके लिए, और लिस्टिंग आपके साथ बैठ के लाइव करवाई और स्ट्रेटजी बताई है। जो स्ट्रेटजी जो लिस्टिंग डे हमने प्रेडिक्ट करी थी वो 100% एक्यूरेट निकलती दिखी है, और देख लो यहां पे ऑडियो का सपोर्ट, लाइव सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में नंबर 1 पे लिंक मिल जाएगा, फटाफट ज्वाइन कर लो ऐसे बेनिफिट्स के लिए, और भी कई सारे बेनिफिट्स आपको आगे बताऊंगा। तो यहां पे गाइस इस लिस्टिंग के बाद जो है ग्रे मार्केट में काफी हलचल उठती दिखी है, और नए आईपीओज में डिमांड बढ़िया होती हुई दिख गई है। तो यहां पे गाइस पहले नंबर पे हम बात करते हैं नेटवेब टेक्नोलॉजी की। नेटवेब टेक्नोलॉजी में सब कुछ क्लियर हो चुका है, यहां पे गाइस अलॉटमेंट को लेकर कंफ्यूजन है। देखो 23 पहले डेट निकलती दिख रही थी, बट क्योंकि इसका रजिस्ट्रार लिंक्डइन टाइम है, जिसको हम लेट इन टाइम नाम से भी जानते हैं, ठीक है, हमने इसका नाम लेट इन टाइम रखा था, और अभी लोग काफी सारे लोग इसको लेट इन टाइम बोलते भी हैं। तो लिंक्डइन टाइम का काम क्या होता है, हमेशा लेट देते हैं अपना जो अलॉटमेंट है वो लेट ही देते हैं। लेकिन यहाँ पे भाई जब संडे पड़ रहा है तो हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे इनसे, वो ऑलरेडी लेट देने वाला काम है कि अगले दिन ही देंगे, यानी कि मंडे को देंगे। तो यहाँ पे अलॉटमेंट का जो डेट है वो 90% रहने वाला है 24 को, लेकिन सैटरडे को इनका वर्किंग डे होता है, हो सकता है एक दिन पहले ये दे दें, यानी कि 22 को। तो यहाँ पे 10% चांसेस 22 को है, लेकिन अगर जो नहीं देते हैं 22 को तो फिर 24 को अलॉटमेंट श्योरली आपको मिलना ही है, ठीक है। यहाँ पे ये अलॉटमेंट का डाउट क्लियर हो गया, लिंक इन टाइम इसका रजिस्टर है, उसकी वेबसाइट पर आपको अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। जैसे ही अलॉटमेंट आएगा आप टेलीग्राम हैंडल पर हम शेयर कर देंगे, न्यूज चैनल और मेन चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेटवर्क के ग्रे मार्केट की बात कर लो गाइस, तो नेटवर्क में बहुत अच्छी डिमांड निकलती दिख रही है, करीब 360 रुपए से लेके 370 रुपए तक की। यहां पे गाइस 370 के हिसाब से देखो तो करीब 11,100 रुपए गेन देखने को मिल रहा है, और ये करीब 74% होता है इस आईपीओ के एक लॉट का, ठीक है। तो यहां पे गाइस आगे बढ़ने से पहले बता दूं, टेलीग्राम पे देख लो आज के दिन भी आपको इंट्राडे 4-5 कॉल देखने को मिली है। यहां पे देख लो एक छोटा सा लॉस 300-400 रुपए का, उसके बाद एक बढ़िया 3,350 तक का गेन देखने को मिला है बैंक निफ्टी में। उसके साथ ही आप यहां पे देख लो गाइस आपको 160 पॉइंट का बढ़िया गेन, ऑडियो से सपोर्ट, कैसे स्टॉप लॉस सेल करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, और यहां पे देख लो स्टॉक ऑप्शन की कॉल, उसके बाद यहां पे बैंक निफ्टी की एक छोटे से गेन वाली कॉल, उसके साथ यहां पे आपको लेवल भी शेयर किया जाता है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन, स्विंग कॉल, नॉर्मल कॉल, इंट्राडे कॉल, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल, और कई सारे सजेशन देखने को मिल जाते हैं। नंबर 1 पे डिस्क्रिप्शन में चैनल है, या फिर आप नाम से फंड कर सकते हो, 15.3 के सब्सक्राइबर्स का ये चैनल, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, और अगर जो आपको नॉलेज है तो आप अर्न भी अच्छा खासा कर सकते हो, तो गाइस इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गाइस यहां पे हम यथार्थ हॉस्पिटल की। यथार्थ हॉस्पिटल का गाइस डेट जो है वो 26 को ओपन होगा, 28 को क्लोज होगा। इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बना दी है, यहां पे मैं थंबनेल लगा दे रहा हूं, आप देख लो। अगर जो आपने नहीं देखा वो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसका डिटेल रिव्यू के नाम से जाके जरूर देख लेना, ठीक है, उसमें सब कुछ मैंने डिटेल में बता रखा है। यहां पे गाइस ग्रे मार्केट प्रीमियम उस वीडियो में जो बताया है वहां से 10 रुपए बढ़ता दिखा है, वहां पे 100 तक बताया था, बाद में फिर डिमांड निकली और यहां पे 100-110 जाता हुआ दिख रहा है। अगर जो एक लॉट की बात करें तो गाइस 5500 रुपए गेन देखने को मिल रहा है, और ये करीब 36% होता है एक लॉट में आईपीओ के साइज का। यहां पे गाइस इस नए आईपीओ के बारे में बता दूं, SBFC फाइनेंस आईपीओ, आईपीओ बढ़िया है, लेकिन अभी कोई डेट क्लियर आती नहीं दिखी है, कहा जा रहा 28-29 को आ सकता है, नहीं तो फिर अगस्त के मंथ में पहले हफ्ते में आने की संभावनाएं हैं इस आईपीओ में। तो इसके साथ एक दो आईपीओ और लाइनअप में है, अगस्त का महीना भी टाइट रहने वाला आईपीओ रिलेटेड। तो यहां पे गाइस आपको ये आईपीओ भी जल्दी ही देखने को मिल जाएगा, इसके साथ कई और आईपीओ। अब गाइस यहां पे हम बात करते हैं एसएमई कैटेगरी के आईपीओ की, तो सर्विस केयर लिमिटेड, जिसका आज है अलॉटमेंट डेट, अलॉटमेंट आया नहीं आया मुझे पता नहीं है, मैं ये चीज चेक करके आपको टेलीग्राम हैंडल न्यूज चैनल वाले पे शेयर कर दूंगा, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर 2 पे लिंक है, अगर जो नहीं आया होगा जैसे आया आपको मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। यहां पे गाइस 3-4 रुपए की ग्रे मार्केट प्रीमियम निकलती हुई हमें दिख रही है। बात करें असरफी हॉस्पिटल की, तो बहुत ही शानदार हमें यहां पे सब्सक्रिप्शन होता हुआ दिखाया, देख लो यहां पे 180 1.51 टाइम। यहां पे गाइस ग्रे मार्केट
का प्रीमियम काफी अच्छा निकलता देखा है, 27 से लेके 30 रुपए तक का। तो यहाँ पे गाइस मैंने आपको एसएमई कैटेगरी के सारे आईपीओस बता दिए हैं। अब कुछ अपकमिंग आईपीओस हैं उनकी वीडियो आपको कल देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज वीडियो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है ये वाली, ठीक है। लेकिन लेट हुआ तो क्या हुआ, काम तो करना ही है। तो आई होप आप हमारी हार्डवर्क को समझोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियो को लाइक जरूर कर दोगे। मिलते अगली वीडियो में, करते वीडियो के। थैंक यू वॉचिंग गाइस, प्लीज चल हिस्ट्री वैली एंड बाय बाय फॉर नाउ।